हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप 2023 के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिसके सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसका आप सभी स्टूडेंट को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म कब आने वाले हैं, तो फाइनली इंस्पायर डिपार्टमेंट ने 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म डिक्लेयर कर दिए हैं। आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी इंस्पायर स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप इस वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो आपको ऊपर आपको एक लिंक चलता हुआ दिखाई पड़ जाता है कि कॉल फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर स्कॉलरशिप। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो यहाँ पर पॉपअप विंडो टाइप का यहाँ पर जो आ रहा था वो यहाँ पर फॉलोशिप लिख के आ रहा था, लेकिन यहाँ पर फाइनली इंस्पायर स्कॉलरशिप जिसका आपको इंतजार था 2023 हैज बीन ओपेंड, यानी ओपन फॉर्म कर दिए हैं। कब से? आज से, जब ये वीडियो बन रहा है यानी 10 सितंबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक। ये देखिएगा, लगातार पिछले कुछ सालों से ये फॉर्म जल्दी आ रहे थे। सबसे पहले कुछ सालों पहले की बात की जाए तो पहले ये फॉर्म नवंबर में आते थे, दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी जाती थी, उसके बाद ये अक्टूबर में आने लगे और फाइनली अब ये 10 सितंबर को फॉर्म यानी आज से, जब ये वीडियो बन रहा है तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और ये 9 नवंबर 2023 तक चलने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन में दूसरा ऑप्शन आपको स्कॉलरशिप का दिखता है, वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एक आपको दिख जाएगा कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर SHE 2023। तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है, ये PDF में आप डाउनलोड हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ये देखिए, कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर SHE 2023 यहाँ पर फॉर्म फाइनली आ गए हैं। थोड़ी सी ब्रीफली बात कर लेते हैं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या होती है, उसके बाद ये डिटेल देखते हैं। तो जो स्टूडेंट 12th पास होते हैं यानी इस साल यानी 2023 में जिन स्टूडेंट ने 12th पास किया है साइंस स्ट्रीम में यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन दो सेक्शन से अगर आपने 12th पास किया है और आपकी परसेंटेज आपके बोर्ड के टॉप 1% के अंतर्गत है, यानी एक मोटे भाषा में कह सकते हैं, साधारण भाषा में कह सकते हैं कि लगभग आपका परसेंटेज अगर 80% से लगभग ज़्यादा है तो आसानी से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। वैसे टॉप 1% की इसमें बात करेंगे तो जो भी स्टूडेंट की परसेंटेज अच्छी रहती है 12th में साइंस स्ट्रीम में तो उन्हें इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। कितना अमाउंट मिलता है तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर आपको 80,000 रुपये प्रति वर्ष की स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन जुड़ा हुआ है, आपको 12th के बाद साइंस स्ट्रीम से ही ग्रेजुएशन करना यानी BSc करना है। तो आप अगर साइंस स्ट्रीम में 12th पास हैं 2023 में और इस समय आप BSc कर रहे हैं या BSc में आपने एडमिशन ले लिया है तो आप आसानी से इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, जो या इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसके तहत आपको MSc पार्ट 2 तक 80,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें 60,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप और 20,000 रुपये आपको प्रोजेक्ट वर्क, यानी टोटल 80,000 रुपये प्रति वर्ष की स्कॉलरशिप यहाँ पर स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर फाइनली फॉर्म आ चुके हैं, ब्रीफली हमने आपको बता दिया कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होते हैं। अब और आपकी जानकारी के लिए ये भी हम बता दें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं कि सर इसमें कितनी इनकम वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो इनकी फैमिली इनकम बहुत ज़्यादा होती है, माता पिता कोई गवर्नमेंट जॉब होते हैं या फिर और कुछ करते हैं, तो यहाँ पर अगर आपकी फैमिली की इनकम यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहे 10 लाख रुपए प्रति दिन का बना हो तब भी आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। यानी इसमें इनकम का कोई बाउंडेशन नहीं रहता कि फैमिली या इनकम आपकी कितनी भी क्यों ना हो, क्योंकि ये मेरिट स्कॉलरशिप की स्कॉलरशिप है। आपकी मेरिट अगर है यानी आपका परसेंटेज अगर है तो आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। तो कन्फर्म रहिएगा क्योंकि ये डाउट बहुत सारे स्टूडेंट में रहता है। तो फाइनली फॉर्म आ चुके हैं, एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा कि मेरिटोरियस स्टूडेंट विथ एग्रीगेट मार्क विद इन टॉप 1% ऑफ देयर 12th एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट और सेंट्रल बोर्ड, यानी सेंट्रल बोर्ड जो भी CBSE बोर्ड होते हैं उनको, उनके स्टूडेंट को भी ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। जो भी स्टूडेंट CBSE बोर्ड इत्यादि से पढ़े हैं वो आसानी से अपना बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं कि उनका टॉप 1% कितना है। अदरवाइज आप UP से बिलोंग करते हैं, UP के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं विद प्रूफ के साथ कि आपका इस साल 2023 के लिए टॉप 1% कितना गया है,
क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हमें विभिन्न सूत्रों से कन्फर्म पता चला है। उसके बारे में वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कुछ महीनों पहले। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया, आसानी से क्लिक करके आप देख सकते हैं अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज आप मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इत्यादि बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप अपने बोर्ड से संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बोर्ड क्या करते हैं, एक लिस्ट जारी कर देते हैं टॉप 1% का, या फिर वे परसेंटेज जारी कर देते हैं। तो आप आसानी से, अगर आपको नहीं पता है कि आपका नाम आपके बोर्ड के टॉप 1% के अंतर्गत है, तो आप आसानी से अपने बोर्ड संपर्क कर सकते हैं, RTA लगा सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं, ईमेल लगा सकते हैं, उसके बारे में आसानी से आप पता कर सकते हैं। ये देखिएगा, यानी 2023 में जिन स्टूडेंट ने पास किया है ट्वेल्थ, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद में दूसरा क्राइटेरिया भी होता है यहाँ पर, जो लोग जेई APMT इत्यादि में 10,000 तक रैंक लाते हैं उनको भी, उनके लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी ये स्कॉलरशिप होती है। अदरवाइज आप NTSC या नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन आपने जो पास किया उसके लिए भी ये स्कॉलरशिप होती है। तो आसानी से यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का कैसे, अप्लाई करने में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, बहुत जल्द आपको वीडियो मिलने वाला है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और उसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो आपको फोटोग्राफ लगता है, या फॉर्मेट आपका JPEG फॉर्मेट होता है 50 KB तक का। उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट लगता है, 12th का सर्टिफिकेट लगता है 1 MB का PDF में। उसके बाद एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, यहाँ पर ये एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट क्या होता है, इस पर विस्तृत वीडियो आ चुका है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसको फिलअप करना होता है। आसानी से आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। एलिजिबिलिटी नोट, यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड जैसे UPA बोर्ड एलिजिबिलिटी नोट जारी करता था, लेकिन अभी तक जब ये वीडियो बन रहा है तो अभी तक जारी नहीं किया है। तो एलिजिबिलिटी नोट भी आप अपने बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि एलिजिबिलिटी नोट लगाना फॉर्म में मैंडेटरी नहीं होता है, यानी ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास है, आपके बोर्ड ने प्रोवाइड किया है एलिजिबिलिटी नोट, तो आप आसानी से फॉर्म भरते समय लगा सकते हैं। अब फॉर्म रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद विस्तृत वीडियो आने वाला है, वेट करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं, उनका फॉर्म गलत हो जाता है। तो गलत फॉर्म बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपको एक सुनहरा मौका मिल रहा है 80,000 रुपये प्रति वर्ष की स्कॉलरशिप पाने का। तो अभी बिल्कुल समय है, बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा कुछ ही घंटों में, तो आप उसको देखकर आप अपना फॉर्म भरिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। हालांकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी आपके पास डिवाइस है उससे आप अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। या लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती हो जाने पर आप इस रेस से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट डेट का ध्यान नहीं रखते हैं और लेट हो जाते हैं। यहाँ पर 9 नवंबर 2023, ध्यान देने वाली बात है, 9 नवंबर, 10 सितंबर से यानी आज से ये फॉर्म स्टार्ट है। और अंतिम डेट की बात करें तो यहाँ पर 9 नवंबर 2023 तक आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ये देखिएगा, यहाँ पर पिछले साल कितना कट ऑफ गया था यहाँ पर दिया गया है। ये देखिएगा, सबसे पहले अपने यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं, यानी 79.4 कट ऑफ इससे पहले गया था। और उसके बाद यहाँ पर भी और देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का 91.2, ये पिछले साल का दे रखे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर घबराइएगा नहीं, ये इस साल का कट ऑफ नहीं है। CBSE का 95.4 गया था, इस साल भी लगभग इतना या इससे थोड़ा कम जाने वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगभग इसके ही जाता है लगभग। उसके बाद CISE का बोर्ड यहाँ पर 96.6, गुजरात का 79.54, उसके बाद केरला का 98.08 यहाँ पर, उसके बाद मणिपुर का 81.4, उसके बाद पंजाब का 95.4, राजस्थान का 90%, तमिलनाडु का 94। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आप अगर कौन से, बिहार का देख लेते हैं 81%। तो इस प्रकार आप अपने इस साल बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज गया है और आप टॉप 1% के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। यहाँ देखिए, यह सारा टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। हालांकि इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड लगभग सभी टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, और आप अगर विस्तार जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी लिंक आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, क्या क्या फॉर्म आपको कैसे भरना होता है, पेमेंट आपका कब आता है, कितने दिन लगते हैं, उसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल तैयार रखें। तो इस पर विस्तृत वीडियो लगातार आ चुके हैं। अगर आपको बेहतर जानकारी चाहिए है तो आप तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि फाइनली जिसका स्टूडेंट को इंतजार था कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म कब आएंगे, फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म पब्लिश कर दिए हैं। आसानी से आप आज से फॉर्म भर सकते हैं।
इसके बारे में अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आपको उत्तर दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।